हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रेम रेट के बारे में, जैसे कि हम फ्रेम रेट सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये रियलमी का फ़ोन है, और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है तो क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको सिस्टम सेटिंग पे जाना है तो आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे और फ्रेम रेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं 60 करना चाहते हैं, 30 करना चाहते हैं, 24 करना चाहते हैं या फिर 15 करना चाहते हैं कर सकते हैं, जितना भी आप करना चाहते हैं। जैसे मैंने 30 पिक्सल कर रखा है और यहाँ पे आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक और तरीका हमारे पास, इसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सर्च वाले ऑप्शन पर जाना है और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है फ्रेम रेट। तो यहाँ पर सर्च में शो हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करना होगा और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर शो हो गया फ्रेम रेट, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं, जितना आप करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। और भी सेटिंग है, इसके बारे में पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को चेक कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।